आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें यहां पर ईडी CBI के अधिकारी उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ घंटों पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है और उसके बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव को चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया जाता है और एक तरीके से तेजस्वी यादव को फंसाया जाता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी CBI के अधिकारी यहां पर चार्जशीट दाखिल करते हैं जिसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ रावड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल होता है और अन्य यहां पर लोगों के नाम भी शामिल होते हैं, जिसको लेकर अब यहां पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन हड़पने का मामला जो सामने आया था उसको लेकर पूरा लालू परिवार यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था, जिसके तहत लालू यादव, रावड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा देवी को यहाँ पर कोर्ट में भी बुलाया गया था। यहाँ पर पूछताछ हुई थी, उसके बाद यहाँ पर इनके परिवार को एक तरीके से राहत दे दी गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव की बात की जाए उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आई थी। बीते कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के साथ इन्हीं अधिकारियों ने घंटों पूछताछ भी की थी, उनकी पत्नी के साथ भी बातचीत की थी, उसके बावजूद यहाँ पर सुनवाई की तारीख दी गई थी। अब ऐसे में देखा जाए तो तेजस्वी यादव के साथ फिर से यहाँ पर बैठक होती है और ED CBI के अधिकारी उनका नाम चार्जशीट में दाखिल कर देते हैं, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें झटका मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में देखा जाए तो जो सुशील मोदी हैं वो तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए अब साफ तौर पर देखे जाते हैं और वो कहते हैं कि अब उन्हें अपने पद को छोड़ देना चाहिए, वो अपना पद संभालने लायक नहीं है, जो खुद इतने भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं वो कैसे इस पद पर रह सकते हैं। क्या कुछ सुशील मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर CBI ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी, अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो जब भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में, जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, जिसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीट हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? जैसा कि आपने सुशील मोदी को सुना, सीधे तौर पर कहा कि जो भी नेता या मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उसे सीधे तौर पर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे मंत्री विधायक हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और सीधे तौर पर उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर देखा जाए तो उन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। उन मंत्रियों के खिलाफ ना तो उन्हें पद से हटने की मांग की जाती है, ना ही तमाम एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन बिहार में अभी चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव को हटाने के लिए इस तरीके से सुशील मोदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थकों की बात की जाए तो वहां पर वो उनका बखूबी समर्थन करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस घोटाले में शामिल थे ही नहीं, जिस तरीके से उनका नाम दाखिल किया गया एक गलत तरीके से किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर उनके समर्थक काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव के सपोर्ट में कहा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जुड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उन समय उनकी उम्र क्या थी, लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है, इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है उनको डिमोरलाइज करने के लिए, या देश की जनता अच्छे से देख रही है।
मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से इन दोनों को आपने सुना, सीधे तौर पर यही नजर आता है कि अगर कोर्ट से झटका तेजस्वी यादव को लगा है तो सीधे तौर पर उनके पद से इस्तीफा देने की मांग भी तेज उठती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग को अपना इस्तीफा सौंपते हुए यहां पर तेजस्वी यादव नजर आएंगे? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।